नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। आज हम मार्केट्स के ऊपर एक वीकली व्यू लेंगे। पिछला हफ्ता मार्केट के लिए काफ़ी नुकसानदेह था, क्योंकि कई सारे स्टॉक्स, कई सारे सेक्टर्स हायर लेवल्स से करेक्ट होते हुए दिखे। काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग थी मार्केट में। निफ्टी ने ऑलमोस्ट वीकली लोवेस्ट लेवल्स के करीब की क्लोजिंग की है। 21,900 ये वीकली लोवेस्ट लेवल्स थे, और इन लेवल्स के नीचे हम और भी वीकनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो शायद निफ्टी को 21,700 तक मिनिमम लेके जा सकते हैं। अगर निफ्टी 21,700 के नीचे वीकली बेसिस पे अगर डेली बेसिस पे अगर क्लोज हो जाता है, तो फिर यहाँ से हम वापस निफ्टी को 21,500 से लेकर 21,000 के लेवल्स तक भी आते हुए देख सकते हैं। 21,000 के करीब निफ्टी में 200 दिन के एवरेज का मजबूत सपोर्ट है। बट अगर कोई भी रिबाउंड अगर यहाँ से मिलता है, तो हम 22,200, 22,300 ये एक इम्पॉर्टेंट जोन की तरफ जा सकते हैं, और 22,500 बेस्ट के सिनेरियो में हम देख सकते हैं। अब 22,500 ये मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। इन लेवल्स के करीब आप अपने लॉन्ग पोजीशंस को कम करें। हमें लगता है कि जैसे मार्केट शॉर्ट टर्म में ओवरसोल्ड हो चुका है, तो रिबाउंड मार्केट में अगर आता है तो 22,500 तक का दिखाई दे सकता है। उन लेवल्स के करीब आप अपनी पोजीशंस को कम करें। बट अगर मार्केट ने 22,800 के लेवल्स को अगर क्रॉस कर लिया, 22,800 के लेवल्स को अगर क्रॉस किया, तो फिर यहाँ पे हम मार्केट में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। 21,700 ये इम्पॉर्टेंट लेवल्स है सपोर्ट के, और 22,500 ये इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए बने रहेंगे। बैंक निफ्टी में भी हमने कुछ वीकनेस देखा। 47,500 ये एक इक्विलिब्रियम लेवल मार्केट के लिए रहेगा, और बैंक निफ्टी अगर 47,500 के नीचे ट्रेड करता है, तो 46,500 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। हायर लेवल्स पे हम 48,000 से लेकर 48,200 के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक स्टॉक्स में अच्छा खासा बाइंग अट्रैक्शन है। कई बार हमने देखा है कि मार्केट में रिकवरी बनती है तो इन्हीं स्टॉक्स में तेज़ी बनती है, तो हमें बैंक स्टॉक्स के ऊपर तो फोकस करना ही है, और साथ ही साथ हमें मेटल्स और माइनिंग स्टॉक्स में भी लगता है कि रिकवरी बन सकती है। प्रीवियस वीक में जो मार्केट का फोकस था वो डिफेंसिव्स की तरफ था। आईटी एफएमसीजी में मोमेंटम देखा, लेकिन ग्लोबल मैक्रोस अभी भी जस के तस पड़े हुए हैं। हालांकि क्रूड में हमने थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट देखा है। $83 वाला अभी $82 के करीब क्रूड ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन ग्लोबल इक्विटीज़ में अच्छी खासी तेज़ी है, और यही मार्केट को एक अच्छा खासा सपोर्ट दे सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।